पूरा देश पुलवामा के शहीदों की शहादत को नमन कर रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से शहीदों के परिजनों को राहत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक मामला राजधानी में ऐसा आया जहां पर 2002 में शहीद हुए किशन सिंह राठौर के परिजन अपनी ही जमीन के लिए भूमाफियाओं से दो चार हो रहे हैं और जिस जमीन पर कब्जा हो रहा है उस जमीन पर जेडीए में सेक्टर रोड भी दिखाई गई है। मामला कालवार के सुरजीत नगर का है जहां पर भूमाफिया अपने बल के प्रयोग कर दुकानें बनाने का काम कर रहे हैं। जिस जमीन पर दुकानें बनाई जा रही हैं, वहां पर जेडीए प्लान में 80 फीट रोड दर्शाई हुई है। अब 80 फीट रोड को ही अवैध तरीके से दुकानें बनाकर ब्लॉक किया जा रहा है। दुकानें बनाकर जिस जमीन पर जाने का रास्ता बंद किया जा रहा है वहां पर 2002 में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए किशन सिंह राठौर की पत्नी ने अपने बच्चे और खुद के लिए प्लाट भी खरीदा था, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा उनके प्लाट पर जाने के रास्ते को बंद कर दुकान बनाई जा रही है। रास्ता पूरी तरह ब्लॉक होने के कारण अंदर कॉलोनी में जाने का रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया है। ऐसे में अब शहीद की पत्नी जेडी और मंत्रियों के घर के चक्कर काटने को मजबूर है। मैंने 2002 में मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे और वो जो मुझे पैसा मिला 2002 में, 2004 में मैंने ये प्लाट खरीदा। ये सुरजीत नगर में ही आगे का कालवाड़ रोड के ऊपर खुलता हुआ कॉमर्शियल प्लाट था और उसके पीछे भी रोड थी, तो इसने जो 80 फीट रोड कालवाड़ रोड से सुरजीत नगर में जा रही है उसको अतिक्रमण किया है, उस पर दुकानें वगैरह बनाई है। तो ये एक नाजायज तरीके से उन्होंने मेरा प्लॉट में जाने का रास्ता रोका है पीछे से। ये जो प्लॉट खरीदा है हम लोगों ने, इसमें मेन रोड तो कालवाड़ रोड है, इसके पीछे भी 40 फुट रोड है हमारी, दो साइड के रोड के हिसाब से ये खरीदा हुआ है प्लॉट। इसका क्या है, लंबाई ज्यादा होने के कारण पीछे रेजिडेंस बन जाएगा और आगे कॉमर्शियल हो जाएगा, परंतु इन्होंने जो ये सुरजीत सिंह और इनके लड़के हैं मुख्तार सिंह टेक सिंह, इन्होंने पीछे वाले जो 40 फुट रोड है उस पर पत्थर डाल के इन्होंने कब्जा कर रखा है। अब ये जो 80 फुट रोड है वो उधर कालवाड़ रोड से एंटर होती है और फिर ये 80 फुट रोड में ये 40 फुट रोड मिलती है, 40 फुट रोड ये 80 फुट रोड के अंदर मिलती है। तो ये जो एंट्रेंस हमारा बंद कर रहा है, ये मेन रोड पे दुकानें या दारू की दुकानें इसने बना दी, पहले भी हमने जेडीए में यहाँ पे जेडीसी में सारी शिकायतें की है, थाने में करदनी में सारी चीजें, कहीं कोई सुनाई। कालवाड़ में पेट्रोल पंप के पास इस जमीन पर जेडीए में 80 फीट रोड दिखा रखी है और इस 80 फीट रोड पर कई लोगों ने अंदर प्लाट ले रखे हैं। ये 80 फीट रोड कालवाड़ रोड पर जाकर मिलती है, लेकिन भूमाफिया और जमीन के सौदागरों ने कालवाड़ से अंदर जा रही इस रोड की जमीन पर ही दुकानें बना दी। फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने भी कई बार जेडीसी मंत्री और दूसरे अधिकारियों को ज्ञापन दिया, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। जेडी अधिकारियों का कहना है कि मामले पर संज्ञान लेकर काम रुकवा दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि एक दिन काम रुकता है और अगले दिन भूमाफिया दोबारा काम शुरू करवा देते हैं। कालवाड़ रोड के ऊपर सुरजीत नगर 80 फीट रोड के ऊपर दो दुकानें निर्माण करने के संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, संबंधित ईओ को भिजवा करके काम रुकवा दिया गया था। कल अवधान में आया कि अवकाश के दिन वापस वहाँ काम शुरू हुआ। हमने संबंधित जोन से डीसी से उसके संबंध में रिपोर्ट मांगी है कि जहाँ पे ये निर्माण हो रहा है उसकी वस्तुस्थिति क्या है। वो रोड के ऊपर है, अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, वो वस्तुस्थिति रिपोर्ट हमने संबंधित डीसी से मांगी है। निश्चित रूप से उस रिपोर्ट के आधार पे मेरिट बेस पे जो भी कार्रवाई होगी पूर्णता से हम निष्पादित करेंगे और किसी भी प्रकार का यदि अतिक्रमण है तो किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा और उसको हटाया जाएगा। बहरहाल राजधानी में भूमाफिया बेकऑफ होकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साथ ही 80 फीट रोड पर कब्जा होने के कारण अब शहीद का परिवार अपने ही प्लाट पर जाने के लिए जेडीए और अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। देखना होगा
कि शहीद की पत्नी को न्याय मिलता है या नहीं। जयपुर से अंकुर जाकर ईटीवी भारत।